मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी एक अखिल भारतीय जन आंदोलन जो कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाया गया अखिल भारतीय अंतिम महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अन्य नामों से भी कहते हैं, जैसे इसे हम अगस्त क्रांति आंदोलन कह देते हैं। इसलिए इसके इसको पढ़ने के अनेक अन्य तरीके हमारे पास मौजूद हैं। वन बाय वन जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बात आती है कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के एग्जाम्स में अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिवर्सिटी सिस्टम में जिनके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसका भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो अलग तरह से आते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा बाद में लास्ट में लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक अखिल भारतीय स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, क्या ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। अब इसकी व्याख्या करनी है, इसके सपोर्ट में या इसके अगेंस्ट में हमको अपनी बात कहनी है, टिप्पणी करनी है इस पर। अब इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसकी बात आती है, जब हम कोई भी चीज इतिहास से संबंधित कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहला पक्ष आता है कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास सोर्सेज क्या है, यानी इतिहास लेखन क्या है इससे संबंधित, हिस्टोरियोग्राफी क्या है। उसके बाद आते हैं कि यह घटना है क्या चीज, क्या है यह आंदोलन, क्या है ये बात आंदोलन। इससे हम जानते हैं भारत में कि यहां पर असहयोग आंदोलन भी हुआ, यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ, और बहुत से आंदोलन भी, जो गांधीवादी आंदोलन भी थे और नॉन गांधीवादी आंदोलन भी थे, नॉन गांधीयन मूवमेंट भी थे, अलग अलग तरह के आंदोलन हम देखते हैं। तो ये क्या था, तीसरी बात आते हैं कि इसमें घटनाक्रम क्या रहा, इवेंट्स कैसे रही। चौथी बात आती है कि इससे संबंधित इसका महत्व क्या रहा। ये डायमेंशंस में, इन परिपेक्ष में हम अपनी बात को रखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सोर्सेज, तो सोर्सेज को हम कैसे लेंगे, जरा वन बाय वन पहले इसको समझ लें। स्रोत क्या है, इतिहास से संबंधित स्रोत। तो जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझते हैं, उसको पढ़ने के हमारे तीन तरह की इसके दृष्टिकोण है, उसके अलावा अन्य बहुत सारे हैं लेकिन तीन तरह की मुख्य हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है। कैम्ब्रिज अप्रोच कह लीजिए, साम्राज्यवादी अप्रोच कह लीजिए, या हम इसमें एक इतिहासकार आते हैं कूपलैंड, जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो एक आता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। वो लोग थे जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे, वो लोग थे। और तीसरी विचारधारा आती है जिसको हम कहते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन, क्योंकि इस समय तक मार्क्सवादी जो है काफी आगे तक बढ़ चुके थे और बंगाल में खास करके उन्होंने अपना एक तरह से प्रभुत्व वैचारिक रूप से स्थापित कर लिया था। तो उन लोगों ने भी इतिहास जिस रूप में लिखा, मार्क्सवादियों ने, और तब भी कैसे लिखा और बाद में कैसे लिखा, जैसे यहां पर मार्क्सवादियों में हम पीसी जोशी का नाम लेंगे, पीसी जोशी। जैसे हम राष्ट्रवादियों की बात करेंगे, राष्ट्रवादियों में कांग्रेस के तमाम नेता हैं, आप सब लोगों ने नाम सुने हैं, चाहे हम आरसी मजुमदार जैसे इतिहासकारों की बात करते हैं, चाहे हम भंडारकर जैसे इतिहासकारों की बात करते हैं, वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी पैटर्न में लिख रहे थे। जब हम कैम्ब्रिज या इसको दूसरा नाम देते हैं साम्राज्यवादी, अब इनके दृष्टिकोण में फर्क क्या आएगा, जरा हमको ये देखना और समझना आवश्यक है। जब हम कैम्ब्रिज वालों की बात करेंगे तो ये वो लोग हैं जो भारत के डिविजन की बात करते हैं, भारत का विभाजन करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और शासन करो। इसलिए ये कूपलैंड जैसे लोग हैं
जो इतिहासकार के रूप में है, इन्होंने जिस रूप में लिखा वो ये कहते हैं भारत एक देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत बहुत से धर्मों, बहुत से संप्रदायों, बहुत सी जातियों और बहुत सी भाषाओं का देश है, ये कभी राष्ट्र नहीं हो सकता। इनका जो आंदोलन है वो आंदोलन है ही नहीं। तो ये राष्ट्रवादी जो गतिविधि है, राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, उसको नकारते हैं। जबकि जो राष्ट्रवादी है वो भारतीय समाज की जितने भी संघर्ष की प्रक्रियाएं हैं उनको नकारते हुए देश को जोड़ने की बात करते हैं। जब हम मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो मार्क्स के पैटर्न में इतिहास लिखते हैं, कार्ल मार्क्स के पैटर्न में, कार्ल मार्क्स के पैटर्न में जो लोग इतिहास लिखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये तीन दृष्टिकोण है। अब अगला विचार, अगला बिंदु यह आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन था क्या, क्या था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, कि महात्मा गांधी ने भारत में जन आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वो पहले भारतीय नेता थे, वे पहले अखिल भारतीय नेता थे जिन्होंने जन आंदोलन की शक्ति को पहचाना, जन आंदोलन की शक्ति को पहचाना और उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी दुनिया की शक्ति के खिलाफ उनका आंदोलन किया। यह भी प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने पश्चिम के हथौड़ों से ही पश्चिम की बेड़ियों को काट डाला, तो वो कौन से हथौड़े हैं और वो कौन सी बेड़ियां हैं। हथौड़े उन्मुक्त करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति थी और उसमें उन्होंने उसका किस तरह से भारतीयकरण किया, किस तरह से उन्होंने इस जन आंदोलन की प्रक्रिया को अपनाया। गांधी जी की अपनी टेक्निक्स है जिनकी सेपरेटली क्लास में बात करेंगे, सेपरेट चैप्टर में उसका उल्लेख आया है कि किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह, सत्य अहिंसा, सत्याग्रह, हंगर, भूख हड़ताल, सविनय अवज्ञा, असहयोग, हिजरत, ये जो टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया उन्होंने अपने इस भारत छोड़ो आंदोलन ही नहीं, अपने सभी आंदोलन में। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में तो गांधी जी रहे नहीं, वो जेल में चले गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय भी न कहकर के मैं इसको एक यो कहें कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक जन आंदोलन था, जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जनता जुड़ी, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, समाज के विविध वर्गों के लोग इस आंदोलन में जुड़े, जैसे मध्यम वर्ग, जैसे किसान, श्रमिक, छात्र, महिलाएं, जनजातियां, निम्न जातियां, जमींदार क्लास, जितने क्लास थे वो क्लास इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। तो ये एक आंदोलन था। और भारत छोड़ो से क्या मतलब है, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने की प्रक्रिया में जापान का पूरी मोर्चे की तरफ से, यानी बर्मा और सिंगापुर की तरफ से भारत की ओर प्रवेश हो रहा था, और जापान का कहना था कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड है। तो गांधी जी ने इस बात को दूसरे रूप में रखा, उन्होंने कहा कि जापान का दुश्मन भारत नहीं है, क्योंकि जापान के साथ तो वैसे भी सुभाष चंद्र बोस की सेना थी और सुभाष चंद्र बोस स्वयं थे। उनका कहना था गांधी जी का कि जापान का दुश्मन भारत नहीं है बल्कि जापान का दुश्मन इंग्लैंड है। अगर इंग्लैंड भारत छोड़कर चला जाए, ब्रिटेन भारत छोड़कर चला जाए, तो जापान हमारे आक्रमण नहीं करेगा। हालांकि उस समय जापान ने एक नारा दिया था, एक सिद्धांत दिया था, एशिया फॉर एशियंस, जिसे एशियाई मुनरो सिद्धांत कहा जाता है। गांधी जी ने उस सिद्धांत का विरोध किया। तो इस क्रम में गांधी जी ने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। बड़े लंबे समय के बाद गांधी जी सक्रिय राजनीति में लौटे थे, सक्रिय राजनीति में लौटे थे। इसका पूरा एक अपना बैकग्राउंड है कि किस तरह से क्रिप्स मिशन असफल होता है। क्रिप्स मिशन जो कि मार्च अप्रैल में भारत आया था, वो मिशन असफल होता है और उस असफलता के कारण से इलाहाबाद में जिस मीटिंग को किया गया, कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो की गई, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि महात्मा गांधी स्वतंत्र हैं, वो सक्रिय राजनीति में आए और एक नया आंदोलन चलाए, और उसी आंदोलन का नाम भारत छोड़ो आंदोलन रखा गया। और इसी के लिए कांग्रेस द्वारा एक पहले वर्धा प्रस्ताव तैयार किया गया, वर्धा प्रस्ताव, और इसी वर्धा प्रस्ताव को सम्मति और सहमति और कंसेंट, या यूं कहें कि सार्वभौमिक रूप से इसको सम्मति और सहमति मिलनी थी, वो उसके लिए बंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग हुई 7 अगस्त, 8 अगस्त
और 9 अगस्त, 9 अगस्त की सुबह सुबह तो गिरफ्तारी हो गई। तो बम्बई में वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें गांधी जी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे, और यहीं पर निर्णय दिया गया कि हम एक अखिल भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, और वर्धा प्रस्ताव को यहाँ पर बम्बई में स्वीकार कर लिया गया। और इसमें ये कहा गया, गांधी जी के सिद्धांत तो पूर्ववत थे, पहले भी वही बातें थी और बाद में भी वही बात, सत्याग्रह की बात करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन नारा उन्होंने दिया डू एंड डाई, करो या मरो। इस नारे को लेकर के कई बार वाद विवाद होता है, ये मरो है, कहीं गांधी जी किसी प्रकार की हिंसा की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां हिंसा नहीं है। अगर हम गांधीवादी चिंतन की दृष्टि से देखें तो ये हिंसा की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर हुआ कि इस नारे का इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जब मिस इंटरप्रिटेशन हुआ तो इसको हिंसक रूप में समझा गया, और जनता ने भी इसको कई जगह, जैसे पटरियां उखाड़ने की घटनाएं आती हैं, थाने जलाने की घटनाएं आती हैं, तो वो घटनाएं हिंसक रूप ले लेती हैं। इसी कारण से बाद में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 1942-43 की हिंसक घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना। तो ये एक करो या मरो नारा हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से नारे लिए गए और दिए गए, इनकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, उसी में से एक नारा आता है करो या मरो। तो ये पूरा एक चैप्टर, पृथक चैप्टर सा बनता है, और इसके अंतर्गत अब एक बात आई, 9 अगस्त को सुबह सुबह पहले गांधी जी और बाद में कांग्रेस के सभी सक्रिय जो वरिष्ठ नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण प्रथम पंक्ति के नेता समाप्त न कहें, जेल में चले गए कहें, इसलिए द्वितीय पंक्ति के नेता आ गए। द्वितीय पंक्ति, सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन क्या है इसमें, कौन है जरा इनके नाम देख ले, जेपी लोहिया, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली, ये नाम है जो कि द्वितीय पंक्ति के नेताओं में रहे, और ये वो लोग हैं जो इससे पहले कांग्रेस एस बना चुके थे 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई, और इसी इन्हीं द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया, ये पूरे देश में चला। ये जेपी वही व्यक्ति है, वही नाम है जिन्हें बाद में हजारीबाग के एक जेल में कैद किया गया और यहां से ये भाग निकले थे, हजारीबाग आजकल तो झारखंड में, पहले बिहार में था, और यहां से ये भाग निकले थे, भूमिगत होकर के इन्होंने आंदोलन चलाया। इसी तरह से राम मनोहर लोहिया, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण नाम है, बाद में जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था जिसके अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई थी और उनके आंदोलन के कारण से जनता पार्टी की सरकार आई। इसी तरह से लोहिया की जब बात करते हैं तो उन्होंने चौखंबा सिद्धांत दिया था, एक सोशलिज्म का एक अलग अवधारणा उन्होंने दी थी, और अरुणा आसफ अली एक बड़ा फेमस नाम है जिन्होंने 1942 के इस आंदोलन में तिरंगा लहराया था। तो इस प्रकार से हम द्वितीय पंक्ति के नेताओं को देखते हैं। एक अन्य बात यह आती है कि जब उस जमाने में एक नई चीज आई, जैसे आज के युग में हम देखते हैं कि अच्छे किस्म के टीवी आ गए हैं, बहुत टेक्निकली एडवांस टीवी आ गए हैं, या हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसी प्रकार से इस समय आया था, एक चीज आई थी रेडियो। रेडियो लगभग इसी काल में भारत में लोकप्रिय हुआ, लोकप्रिय मैं कह रहा हूं, लेकिन एक उषा मेहता नाम की लेडी थी, उन्होंने बंबई में इस रेडियो को चलाया था, इसे कांग्रेस रेडियो भी कहा गया। अब इसी क्रम में भारत के लगभग सभी प्रांतों में, सभी भागों में ये जन आंदोलन हुआ, और इसी आंदोलन के क्रम में समांतर सरकारें बनी, समांतर सरकारें कहां कहां, जैसे बलिया ये यूपी में है, चित्तू पांडे एक बड़ा फेमस नाम आता है जो कि इससे संबंधित रहे, चित्तू पांडे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी इस आंदोलन, उस समय वो बहुत युवा थे, जिन्हें यंग टर्क भी कहा जाता था उस जमाने में, वो भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे। बलिया है, सतारा है, तामलूक है, ये वो जगह हैं जहां पर समांतर सरकारें बनी। यहां पर अंग्रेजों ने कई जगहों पर, यहां जब समांतर सरकारें बनी यानी कि ब्रिटिश सरकार का यहां अस्तित्व समाप्त हो गया,
तो इन जगहों पर हिंसा भी हुई, ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी हिंसा हुई और भारतीयों की तरफ से भी हिंसा हुई। ये बलिया वही जगह है जहां पर खैबर रेजिमेंट को तैनात किया गया था। खैबर रेजिमेंट, इस रेजिमेंट ने और पुलिस ने बहुत ज्यादतियां उस समय लोगों के साथ की, लेकिन समांतर सरकार इस तरह से बनी रही। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आजकल करीब 8-10 तरह से यूपीएससी के क्वेश्चंस बनते हैं, आरपीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि जैसे माना ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में समांतर सरकार बनी, और ये माना 1, 2, 3 और चौथा कोई भी चीज दे दे, दिल्ली दे दे, तो कहां बनी? तो विकल्प में आएगा 1, 2, 3 सही है। आजकल यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 गलत है, 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो इस प्रकार से हम इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत समांतर सरकारों की बात करते हैं। एक अन्य बात यहां पर और आती है, वो ये मोटे तौर पर ये जो आंदोलन था ये कांग्रेस का ही आंदोलन था। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि किस पार्टी ने अपना समर्थन नहीं दिया भारत छोड़ो आंदोलन को? तो कम्युनिस्ट इसके पक्ष में नहीं थे, कम्युनिस्ट इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, मुस्लिम लीग इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, हिंदू महासभा इसके पक्ष में नहीं थी, लिबरल इसके पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। ये क्वेश्चंस ऐसे कैसे आएंगे? तो कौन कौन इसके पक्ष में नहीं थे और कौन कौन पक्ष में? सिर्फ एक ही है, कांग्रेस। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया था कि कांग्रेस इस देश की सर्वोच्च पार्टी है। यही कारण है कि कांग्रेस को एक भारतीय इतिहास में एक लंबी हेरिटेज मिली है। हालांकि आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में राजनीतिक रूप से अंतर आ चुका है, क्योंकि अब भारत को स्वतंत्र हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है और अब परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी विरासत बड़ी गंभीर, बड़ी लंबी और बड़ी, एक यूं कहें कि एक लंबी परंपरा वाली रही है। तो इस नो डाउट कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत देखते हैं, तो इसमें जब बहुत तरह की यहां पर हिंसा होने लगी तो अंग्रेजों ने एक पॉम्पलेट निकाला। वो पॉम्पलेट इंटरनेशनल लेवल पर बांटा गया। पॉम्पलेट का नाम था कि गांधी एंड कांग्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गांधी एंड कांग्रेस डिफरेंसेस फॉर 1942-43, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस और गांधी जी जितने भी तरह की हिंसा है ये आंदोलन के दौरान उसके लिए जिम्मेदार है। इसी बात के खिलाफ गांधी जी ने एक, जिसको हम अनसन कहते हैं, हंगर स्ट्राइक, वो जेल में शुरू की। बाद में उनको हेल्थ ग्राउंड के आधार पर रिहा करना पड़ा था। तो ये आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था और इस आंदोलन ने भारत के युवा को, भारत के समाज के हर वर्ग को, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ को इन्होंने क्या किया, अपने प्रभाव में ले लिया और एक स्वतंत्रता की नई लहर, क्योंकि इस समय तक अब विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब दुनिया के देश स्वतंत्र होंगे और इसी स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में भारत में भी स्वतंत्रता की एक लहर आती हुई दिखाई दी। लेकिन हुआ यूं कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया, बंगाल में अकाल पड़ गया। इस अकाल में चावल की भारी कमी पड़ गई। आप सब जानते हैं कि बंगाल में चावल मुख्य और प्रिय भोजन है, इसलिए कांग्रेस के नेता और जो आंदोलनकारी थे उनका ध्यान बंगाल की तरफ चला गया। और इसके अलावा, जैसा कि विपिन चंद्रा भी कहते हैं कि लंबे समय तक कोई जन आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि इतने लंबे समय तक इतना बड़ा जन आंदोलन चलाया जा सके। तो धीरे धीरे ये आंदोलन अपने आप में शिथिल होता चला गया और जो कांग्रेस के मुख्य बड़े बड़े नेता थे वो सब जेलों में रहे। जैसे हम बात करते हैं आगा खां पैलेस की, जैसे हम बात करते हैं अहमदनगर के किले की, अहमदनगर के किले में ज्यादातर कांग्रेस के नेता अहमदनगर के किले में ही रहे। तो इस प्रकार से जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ये भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में महत्वपूर्ण रहा और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक ही ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, और इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।